वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आसिफ मीर आसिफ खान दस्ती को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिसने गिरफ्तारी दी है हजारों की तादाद में। मीर आसिफ खान दस्ती जिंदाबाद। उसके डेरे पर आकर उन्होंने धावा बोल दिया। हम हजारों की तादाद में 250 का काफिला जो था बैगनों का तारों का तैयार खड़ा था। मीर आसिफ खान दस्ती को उन्होंने बुलाया और तशद्दुद करकर उनको डाले में बिठा कर ले गए। ये था इमरान नियाज़ी का, ये जो शो खिलाफ करना चाहता था उतना बढ़ गया है। और वीर आसिफ खान दस्ती जो कि कोटद्दू की एक हरदल अजीज शख्सियत, जो कि नया नौजवान नया खून, खुदा की कसम मुझे 40 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मैं 3 दफ़ा गिरफ्तार हुआ हूँ। लेकिन जो जो हमें उसने शहूर दिया वीर आसिफ खान दस्ती ने इन नौजवान लोगों को, उसने वो क्यादत आज हमें 70 वाली याद आ रही है जब हजारों के बजमे में हम तकरीर किया करते थे। आज वीर आसिफ दस्ती ने आज वही वलवला जोश जज्बा हम जैसे 70 साल के नौजवान बूढ़े लोगों को दे दिया है। ये नौजवानों बताओ वीर आसिफ खान दस्ती आपके लिए जगह जगह जो है नफरी तैनात है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका ये कहना है कि जलसा जो है अपना काम करना है क्योंकि ऐसे कोरोना की वजह से ऐसे पीस कर दिया, आपने क्या करना है? वो आपके सामने लगाए हुए मास्क तमाम ने हजार सैकड़ों की गाड़ी है उन्होंने रोकी थी, वही वापस आ गई है। हमने छीनी है उनसे हजारों को काबले जो घरों में बैठे हुए थे वो भी निकल आए हैं। इनका भाई जिसका भाई का गिरफ्तार हुआ है वो 10 आदमी लेकर आ गए हैं। आप ये देख लें, आपका कैमरा लगाए ये सैकड़ों की गाड़ियों में ये मीर आसिफ खान दस्ती एक नौजवान की क्यादत में आज हम लोग निकले हैं। जब मैं थाने गया मीर आसिफ खान दस्ती ने मुझे कहा कि न्याजी मेरे भाइयों को कह दो मीर काशिफ दस्ती को और मीर नादर दस्ती को कि वो कावले की क्यादत करें और वो सामने आपके खड़े और जा रहे हैं और साथ बिल्कुल मेरे साथ मीर आसिफ दस्ती भी मेरे साथ मौजूद है। काशिफ भाई आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आसिफ दस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जलसे की नाकामी की है की तरफ जो पुलिस जो है भारी नफरी तैनात है, रास्ता बंद किया हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुज़म्मत करते हैं इसकी और सुबह 9:30 बजे हमारे डेरे पे आके इंतज़ामिया ने बहुत ही बुरी तरह हमारे साथ पेश आए हैं। वो हमारे जो वर्कर वहाँ खड़े हुए थे, हमारे वर्कर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़े उनके पीछे भागते रहे हैं, उनको भगाते रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। हम इसकी पुरजोर मुज़म्मत करते हैं। जी बिल्कुल, काशिफ भाई का ये कहना था कि हम इसकी भरपूर जो है